अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैदराबादी शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं बघारा खाना। खाने के बाद से रेडी करना है तेज़पत्ता, इलायची, शाहजीरा, दालचीनी, लौंग। पहले भगोना रखे, उसमें तेल डाल के गरम करना है। उसमें शाहजीरा और इलायची भी डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे और सब इसमें हम ना बताए से मसाला पूरा उसमें डाल देके उसमें प्याज डाल के प्याज लाल हुए तक भून लेने का है। उसमें हरी मिर्ची डाल देना है। तेज पत्ता भी डाल देना, डाल के हिला लो उसको, प्याज लाल होना है। प्याज लाल हो रही है, उसमें अबला नमक डालना है। डाल के जल्दी प्याज लाल होना हो तो नमक डालते हैं हम ना कभी। इसमें अदरक लहसुन डाल के इसको, प्याज लाल हो चुकी है इसमें अदरक लहसुन भून लेना है। अभी ज़रा लाल होने का है। अब प्याज लाल हो चुकी है, इसमें अब हमें पानी डालना है। 3 गिलास चावल को 6 गिलास पानी लगता, 1 गिलास चावल को 2 गिलास पानी लगता। अब हम लोग ना चावल 3 गिलास ले लिए, उसमें 6 गिलास पानी लगता। आप कितने डाले तो उसमें 1 को 2 गिलास पानी डालना पड़ता। अब इस आउटे तक इसको ढक्कन मूझने का, मूज के रख देने का है। अब हम लोग इसको ढक्कन मूझ देंगे, पानी पकना है। अब पानी उठ रहा है, इसमें ढक्कन खोल के देखो, इसमें कोथमीर, पुदीना दाल को हिला लिए देखो। फिर अब हम देखो पानी उठ रहा है, उसमें ढक्कन पूछेंगे। अभी जरा पकना है पानी, 5 मिनट तक ढक्कन मुझके रखना है। उसके बाद ढक्कन खोल के देख लेंगे हम। वहाँ पानी देखो पक रहा है, अदन आ चुका है। उसके बाद चावल धो लेके हमें साइड में रख लेना, वो चावल इसमें अदन में डाल देना है। देखो चावल डाल दे रहे, अब हिला लेना है इसको। हिला लेके अब फिर ढक्कन मूज के रख देंगे। अब देखो ढक्कन खोलो, देखो बघारा खाना रेडी हो चुका है। देखो बहुत यम्मी यम्मी बन चुका है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।